नाकामी को पॉइंट आउट करूँ और उसके बाद हम चिराग जो है लगाइट साहब की तरफ लेके जाते हैं। जो मीटिंग हुई लगाइट साहब आईएमएफ के साथ पीटीआई की उसकी माशी टीम की, उससे एक और चीज़ मेरे ख्याल में सामने अलामती तौर पे आती है और वो ये आती है कि जी हुकूमत कोशिश कर रही है कि साबित करे कि पीटीआई और उसकी क़्यादत इररेलेवेंट हो गई है, उनकी ना इलेक्शन में जगह है ना सियासत में जगह है, ये पूरा जोर लगा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे, लेकिन जिस चीज़ का इदराक इनको नहीं है वो बैरून मुल्क के जो फॉरनर्स हैं उनको है। वो आके समझते हैं कि नहीं, पीटीआई इज स्टिल अ मेजर प्लेयर और उस मेजर प्लेयर से बात करनी है। तो वो जो कोशिशें थी ये भी मेरे ख्याल में पीडीएम की बड़ी रायगाह गई हैं और ये एक बड़ा उनको ब्लो बैक है, दिल में बहुत वो तकलीफ में है वो लोग कि भाई ये क्यों हुआ, वो मीटिंग हुई तो क्यों हुई, वरना कभी, मैंने जैसे पहले कहा कभी नहीं होती इस तरह की मीटिंग। तो ये चीज़ जो है बड़ा इंडिकेट करती है। वो जो मैं कह रहा था ना कि हम तीन पार्टीज की बात कर रहे हैं कि आईपीपी खुद साख्ता दावेदार वजीर आजम बनने की, नून लीग में दो शहजादे चाहते हैं कि वो बादशाह बने, ठीक है ना, शहबाज और नवाज पीपल्स पार्टी में इसी तरह है, और एक डार्क हॉर्स होगा कोई। बिल्कुल, और डार्क हॉर्स को ना भूलें वो कौन हो सकते हैं, लगाइट साहब को पता है। लगारे साहब बताएंगे जी, लगारे साहब। मैं तो जाहिर है मेन चीज़ों पर कहाँ पहले पेश की फैसला करने वाले भी या कोई राय देने वाला हूँ, इसलिए कि जो इलेक्शन में होगा वो सामने आएगा हमें, तो वो नज़र आएगा। और मैं फिर ये कहता हूँ कि इलेक्शन को मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, लेना चाहिए आपको। गिलगित में मेजोरिटी मतलब बदल दी, आज़ाद कश्मीर में मेजोरिटी बदल गलत हुआ, ठीक है ना, कराची में मेजोरिटी बदल दी, मैंने पहले भी कहा कई जगहों पर कह रहा हूं बदल दिया है, वो गलत हुआ है और इस तरह की गलत रिवायात पाकिस्तान में रही हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इस तरह की गलत रिवायात, आप 70 साल की तारीख उठाएं, मैं आपको कितनी मरतबा दिखा दूं। नहीं अब लेकिन जो अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कहाँ बड़ा हुआ है, बूढ़ा हो गया तब भी ये सोच जब बच्चे बड़ा हो जाते हैं, अगर उम्र से बात कर रहे हैं तो उम्र की बात कर रहे हैं तो वो नहीं है। मतलब ये कि आपको बहुत से ऐसे, मैं मजलिस पढ़कर बताता हूँ कि किस तरह से लोगों की हुकूमतें ख़त्म हुई हैं, नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से आपको पता है जुलाई वाला मार्शाला किसी सूरत में क्या पीए जीत सकती थी, किसी सूरत में कोई चीज़ करके भी, और किस तरह से मूवमेंट चलाई गई ये पता था आपको। आज आपको हमदर्दी पैदा होती है कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म, अगर आपको हमदर्दी, मैं ये नहीं कहता हूँ आप हमदर्दी, अगर आपको हमदर्दी पैदा होती है किसी भी वजह से कि जनाब इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो आपको वो ज्यादतियाँ नज़र नहीं आ रही हैं जो उससे पहले होती रही हैं। नहीं वो तो हो गई, ठीक है ना, हमने ये भी हो गई। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तियाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियाँ, पहुँचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया, बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज, अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुतालिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।